हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम आपको वायरलेस डोरबेल के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, जब भी हमारे घर की डोरबेल खराब हो जाती है तो उसको रिप्लेस कराने के लिए हमको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है, या नई डोरबेल लगाने के लिए हमको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है, जो कि करीब 200 के आसपास चार्ज करता है। और फ्रेंड्स, उसके अलावा हमें अपनी डोरबेल लगाने के लिए हमें वायर की ज़रूरत पड़ती है और स्विच की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें करीब 200 से 300 के बीच में खर्च आता है इलेक्ट्रिशियन का, 200 का चार्ज मिला के। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप अगर वायरलेस डोरबेल का इस्तेमाल करते हैं तो वायरलेस डोरबेल में ये करीब 200 रुपीज़ की मिल जाती है, जिसका मैं बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो एरो बटन है मेरे वीडियो के नीचे, उसको आप क्लिक करके उसमें डिस्क्रिप्शन से इसकी बाइंग लिंक आपसे परचेज कर सकते हैं। ये 200 रुपीज की वायरलेस डोरबेल है फ्रेंड्स। इसमें किसी भी तरह की कोई भी तार लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसका ये रिमोट है और ये डोरबेल है, इन दोनों के बीच में किसी भी कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ये जो सेल हमारा छोटा ये है, ये सेल इसमें हमारे साथ में मिलता है, जिसको आप इसमें रिमोट में लगाएंगे। इसमें दो पेंसिल सेल लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको 10 20 फीट, 15 फीट या 20 फीट के रेंज में कहीं भी आप घर में इस डोरबेल को अलग कहीं पे आप वॉल में माउंट कर देंगे, लगा देंगे, और डोरबेल ये रिमोट को कहीं दूर आप अपने घर के बाहर गेट पे या किसी पे गेट पे या दीवार पे किसी बोर्ड पे आप इसको चिपका सकते हैं। इसके पीछे एक एडहेसिव लेयर लगी होती है जिससे आप इसको चिपका सकते हैं। इन दोनों के बीच में कोई आपको वायरिंग नहीं करना, कोई भी स्विच नहीं लगाना। इसका रिमोट स्विच आपको ये साथ में मिलेगा और ये डोरबेल साथ में मिलेगी। इसका बाकी मैं इसको डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूं, इसको किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। ये फ्रेंड्स, ये एडहेसिव लगा हुआ है, इसको निकाल के आप अपने गेट पे, लोहे के गेट पे जो आपका गेट लगा हो उस पे चिपका सकते हैं, या किसी बोर्ड पे इसको चिपका सकते हैं। इसको मैं खोल के निकाल देता हूं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये रिमोट को आप इस तरह से खोल लेंगे। ये मैंने खोल लिया फ्रेंड्स, और इसमें जो और ये जो रिमोट का सेल था फ्रेंड्स, इसको आप लगा देंगे। ये आगे प्लस है, ये माइनस होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्प्रिंग साइड है इस पे माइनस रहेगा, ये पीछे वाला इसका बॉटम लग जाएगा, और ये जो हेड पे जो कैप लगी है ये प्लस है। इस तरह से आप लगा देंगे फ्रेंड्स, इसको लगा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ये आपका रिमोट तैयार हो गया, और इसको आप गेट पे इसको ये एडहेसिव हटा के आप चिपका देंगे फ्रेंड्स। अब इसको मैं ये मेरी ये यहाँ पर हुक लगाने के लिए ये स्लॉट बना हुआ है, जिसमें आप घर के अंदर कहीं भी इसको टांग देंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें हम सेल लगा देते हैं। ये मेरे दो पेंसिल सेल हैं फ्रेंड्स, इसको आप इस तरह से लगा देंगे, लगा देंगे इस तरह, बंद कर देंगे इसको। अपना कहीं भी घर पे जहां पे आपको सुविधा हो, कहीं पे टेबल पे भी रख सकते हैं और दीवार पे भी लगा सकते हैं, जहां पे आपका मन हो वहां पे लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें एक मैनुअल स्विच दिया हुआ है जिससे ऑपरेट करके आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए, इसमें कई म्यूजिक है। फ्रेंड्स, इसमें कई तरह के म्यूजिक हैं जिसमें आप बार बार जब भी बेल आपको प्रेस करेंगे इसका साउंड बदलता जाएगा। तो कई तरह के इसमें म्यूजिक फीड हैं। तो ये आप कहीं और रख देंगे, इसको कहीं और रख देंगे फ्रेंड्स। ये जैसे मेरे गेट पे लगा हुआ है, देख लीजिए, ये दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब मैं ये देखिए, इसमें मैं इस स्विच को प्रेस करता हूँ और ये मेरी डोरबेल ऑपरेट हो गई। ये देखिए, फ्रेंड्स मैं दोबारा एक बार प्रेस करके और दिखा देता हूँ। इनके बीच में देखिए कोई कनेक्शन नहीं है फ्रेंड्स, और मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप इस डोरबेल को इस्तेमाल करते हैं तो आपके इलेक्ट्रिशियन का खर्च 200 रुपीज़ वो बच जाएगा, और इनको स्विच और डोरबेल के बीच में वायरिंग की भी खर्च जो भी होगा वो एक्सपेंस बच जाएगा।
तो ये बहुत अच्छी डोरबेल है फ्रेंड्स, ये 200 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। इसकी बाइंग लिंक मैं इसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं, और इसको एज ए रिमोट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी आप इन दोनों, आप जैसे मान लीजिए किसी को कॉल करना चाहते हैं, और आपके घर में आप इंटरकॉम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इस स्विच को अपने पास रखिए और इसको दूसरे कमरे में रख दीजिए, आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप इस स्विच को प्रेस कर देंगे तो उस वो समझ जाएगा कि आप उसको कॉल कर रहे हैं इस डोरबेल की मदद से। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी डोरबेल है, और इसमें कोई किसी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं, आप खुद लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी वीडियो के बाकी बाइंग लिंक और बाकी डिस्क्रिप्शन इसमें दे दूंगा, आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो।